दोस्तों, तो आज हम लोग देखने आए हैं पल्सर N150 का लॉन्च नागपुर के खामला स्क्वायर वाले अरुण मोटर्स में। ये शोरूम में लॉन्च होने जा रही है बजाज पल्सर N150। वैसे तो ये कम्यूटर बाइक के हिसाब से लॉन्च की जा रही है। ऑलरेडी बजाज के पास में कम्यूटर सीरीज में काफी सारी बाइक्स रही हैं और उन्होंने स्टाइलिश बाइक्स, थोड़ी सी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स भी काफी ज्यादा लॉन्च की हुई है। एक्सपर्टीज काफी अच्छी हो चुकी है, इंजन भी अच्छा है, रिफाइनमेंट भी बढ़िया हो जाता है और अभी 2023 तक के BS6 नॉर्म्स 2 तक के इनकी गाड़ियों में काफी ज्यादा बढ़िया हो चुके हैं ड्राइव एक्सपीरियंसेस भी। तो अभी हम लोग लो मेंटेनेंस और इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से प्रैक्टिकलिटी में सबसे बढ़िया बाइक देखने जा रहे हैं और बजाज की जो टीम है यहाँ पर जमा है, उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है N150 को और उसके पहले उन्होंने N160 के सक्सेस के बारे में भी बताया और N160 के और N150 के डिफरेंसेस को भी समझाया। ऑलरेडी जो N160 गाड़ी थी वो काफी बढ़िया चल रही है और काफी अच्छी डिमांड में वो भी है, लुक वाइज स्टाइल वाइज बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी स्पोर्ट्स सेगमेंट में आ जाती है, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के कैरेक्टर को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है, तो N150 जो है वो ज्यादा बेहतर साबित होगी अगर किसी को कम्यूटर सेगमेंट की थोड़ी सिंपल बाइक चाहिए लेकिन स्टाइलिश के साथ साथ वो कंफर्टेबल भी हो। साथ साथ में हमने उन्हें यहाँ पे कुणाल पाटनी जी को भी देखा कि जो उन्होंने लॉन्चिंग के टाइम पर गाड़ी को रिवील भी किया और इंट्रोड्यूस भी करवाया और उन्होंने भी अपने बाइक एंथुसियाज्म के हिसाब से बताया कि ये बाइक कितना ज़रा मज़ा दे सकती है ऐसे लोगों को जो डेली राइडिंग के लिए, कम्यूटिंग के लिए बाइक यूज़ करना चाहते हैं। N150 की ओवरऑल जो स्टाइलिंग है वो काफ़ी बढ़िया लगी। किसी कम्यूटर बाइक को अगर आप देखो तो नॉर्मली वो बोरिंग सी लग सकती थी, पर N150 एक स्टाइलिश दिखने वाली कम्यूटर बाइक है जिसमें कम्फर्ट और इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड भी है। किसी भी कम्यूटर बाइक को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पावर वगैरह फिगर जितने भी मिलेंगे वो इसके सामने थोड़े कम ही होंगे। माइलेज के हिसाब से भी ये बाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसमें 5-speed मैनुअल शिफ्टिंग वाला गेयरबॉक्स आपको मिल जाएगा, लगभग 45 से 50 के एमपील तक का माइलेज आपको इसमें मिल सकता है और कंफर्ट के साथ में अगर आप इसको देखें तो 50 से 100 किलोमीटर की भी अगर आपकी राइड होती है हर दिन तो आपको इस गाड़ी में ज़रा दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी तो आगे जब मैं इस बाइक को चलाऊंगा तो इसके राइड अर्गोनॉमिक्स के बारे में, कंफर्ट के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, राइड डायनेमिक्स के बारे में और जो इसकी हैंडलिंग है उसके बारे में भी रिव्यू अपना दूंगा इसी वीडियो में आपको आगे तक के मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मीनवाइल कुणाल भाई ने जो जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है बाइक के बारे में काफ़ी अच्छी लगी और मुझे चांस मिला इस बाइक का यहाँ विदर्भ में लॉन्च होने वाला सबसे पहला जो इवेंट है उसका फर्स्ट राइडर बनने का। सो मैं अपनी तैयारी के साथ में आया हुआ था, अपने राइडर जैकेट, राइडिंग ग्लव्स और एक अच्छा खासा हेलमेट भी लेकर आया हूँ ताकि प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रख सकूँ जब मैं इसको राइड पर लेकर जाऊँ। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा हाईवे पर या हाई स्पीड पर राइड करने वाला नहीं हूँ, बट सिटी राइडिंग के लिए भी मैंने इसको चुना और मैंने सोचा कि इसकी हैंडलिंग टेस्ट करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं होगा। कुछ रास्ते मुझे भी पता है जहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके एक्सेलरेशन को भी टेस्ट करूँगा, गियर रेशियोज को भी टेस्ट करूँगा। शुरू में ही मुझे फील हो गया था कि गाड़ी में ग्रंट तो काफ़ी अच्छा है, जैसे आप इसका इंजन स्टार्ट करते हो तो आपको फील हो जाता है कि गाड़ी में पावर तो होगी, फन भी होगा। ऐसे बोरिंग सी कम्यूटर बाइक नहीं है ये, भले इसको कम्यूटर बाइक बोल के लॉन्च किया जा रहा है लेकिन ये बाइक मुझे कम्यूटर बाइक जैसी बोरिंग सी नहीं लगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। सो इसको अगर आप डेली राइडिंग के लिए यूज़ करते हो ऑफिस में तो आपको थोड़ी सी रेपुटेशन वहाँ पर भी अच्छी फील हो सकती है, थोड़ा सा प्रेस्टीजियस लग सकता है। अगर कॉलेज बॉयज हैं उनको कॉलेज जाने के लिए बाइक चाहिए तो बिगिनर लेवल पर भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी क्योंकि इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी सही है, लगभग 1.25 लाख में आपको ये बाइक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये बाइक ईजी टू हैंडल लगेगी क्योंकि वेट काफ़ी कम है, लाइट वेट है और हैंडल बार भी काफ़ी ईजी है, तो लाइट हैंडलिंग की वजह से ये गाड़ी सिटी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। तो बिगिनर्स को जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती थी बाइक को हैंडल करने में, उनको वो डिफिकल्टी कहीं नहीं होने वाली और बिगिनर लेवल पर एक खूबसूरत दिखने वाली अगर बाइक मिल जाए तो यंगस्टर्स को भी इस बाइक में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पुरानी वाली जो पल्सर 150 है वो भी काफ़ी सेल होती रही है बिगिनर्स में, 20 साल से लगभग वो बाइक बहुत ज़्यादा बिक रही है। अब ये वाली बाइक उसी के प्रेस्टीज को, उसी के रुतबे को आगे लेकर जा सकती है क्योंकि ये बाइक मल्टीपल एज ग्रुप के लोगों को पसंद आने वाली है। अगर आपके घर में दो राइडर्स हैं, एक आपके फादर एक आप खुद, तो यंग राइडर प्लस जो एजेड राइडर हैं वो दोनों को ही इस बाइक में मज़ा आएगा। राइडिंग का कम्फर्ट भी है, ईजी टू हैंडल भी है, माइलेज भी है, लुक्स भी है और हाँ इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि बजाज की मोस्ट ऑफ द बाइक जो है वो लो मेंटेनेंस होती हैं और पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सर्विस के ऊपर भी बजाज का काफ़ी ज़्यादा ध्यान है इन दिनों और मैं बजाज के एरिया सर्विस मैनेजर से भी आज मिला तो मुझे उनसे भी पता चला कि किस तरह से वो सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव करते रहने के लिए निरंतर कोशिशें करते रहते हैं, तो इट वॉज अ रीअश्योरिंग फैक्ट फॉर श्योर। आगे आने वाली और भी मोटरसाइकिल जो इनकी है वो भी मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल ये जरूर बता सकता हूँ कि बजाज पल्सर N150 को राइड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। गियर रेशियोज मैंने नोटिस किए, हैंडलिंग नोटिस की, ब्रेकिंग नोटिस की, सब कुछ काफ़ी बढ़िया रहा। N150 के गियर रेशियोज के बारे में बताऊँ, 5-speed गियर बॉक्स है और जितनी इसकी ECU की डिजाइनिंग है हर एक गियर पर पावर और टॉर्क डिलीवर करने की, मुझे 5th गियर के बाद 6th गियर की कमी महसूस नहीं हुई और काफ़ी स्मूथ था 5th गियर भी।
स्मूथ चल रहा, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस, बहुत ज्यादा साउंड ये सब महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन ग्रंट था। अगर मैं अग्रेसिवली हाई एक्सेलरेशन करता जाऊं तो परफॉर्मेंस भी फील करवा दे, और अगर मैं प्यार से चलाना चाहूं सिटी ट्रैफिक में कि चलो इसको तमीज से चलाएंगे और किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे, तो भी ये गाड़ी आपको बहुत अच्छा से साथ देगी और बहुत वेल प्लांटेड रखेगी। अगर कॉर्नरिंग के बारे में बात करूं, मैंने कॉर्नरिंग में भी इसको एक्सपीरियंस करके देखा, काफी ज्यादा रोड को पकड़ के चलती है, सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफनेस दिखाते हैं, टायर जो है थिक नहीं दिए हुए हैं ताकि आपकी गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए और माइलेज पर असर भी ना हो बहुत ज्यादा। आपको ये नहीं कि आपको 110 में 120 के ऊपर चलाना है और कॉर्नरिंग करना है, ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, कम्यूटर बाइक जैसा इसको बनाया गया है, तो भी डिसेंट टायर साइज दिया गया है और कॉर्नरिंग में वो भी काफी हेल्प करते हैं क्योंकि रिप बराबर रखते हैं, और कॉर्नरिंग में मुझे किसी किस्म का कोई डर वगैरह लगा नहीं। बट आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीबडी टू राइड ऑलवेज सेफ, और जब भी हो सके सेफ्टी गियर के साथ में ही राइडिंग करें और रेस्पॉन्सिबली राइड करें। सिटी ट्रैफिक में भी अगर आप राइड करते हो बाइक को तो इसके सस्पेंशन आपको पॉटहोल्स वगैरह ज़्यादा इजीली फील होने नहीं देंगे, एज लॉन्ग एज आप इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से ना चला रहे हो, और हैंडल बार भी इजीली रोड के पॉटहोल्स की वजह से हिलेगी नहीं, ये भी एक चीज़ आपको अच्छी महसूस होगी। अगर आप अच्छी खासी स्पीड पर चल रहे हो अचानक सामने कोई ट्रैफिक आपको स्लो होता नजर आया तो दोनों ब्रेक्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया काम करता है, फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रियर ड्रम ब्रेक आर डूइंग रियली गुड। 90 mm का फ्रंट टायर, 120 mm का रियर टायर है, तो डिसेंट इसमें आपको ग्रिप मिल जाती है और लेन चेंजिंग वगैरह के वक्त भी आपको काफी ज्यादा मजा उसमें भी आ सकता है। एक जरूरी बात ये भी है कि इसका हैंडल बार थोड़ा अपराइट पोजीशन पर होने की वजह से आपको वहां पर भी कंफर्ट महसूस होता है, इजीली वो आपको हैंडल बार पकड़े रहने के लिए और कंफर्टेबली इसको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और साथ साथ आपकी सीटिंग पोजीशन जो है वो भी थोड़ी सी लो रखी गई है तो आपको बैठने उतरने में और उसको राइड करते रहने में राइट पोस्चर की तरफ से भी दिक्कत नहीं आती। राइट पोस्चर सही है, अर्गोनॉमिक सही है तो कंफर्ट लेवल बरकरार रहता है, और ये चीज़ आपको लॉन्ग डिस्टेंस में भी हेल्प करेगी। ऐसी कोई डिफिकल्टी मुझे फिलहाल महसूस नहीं हुई जिसकी वजह से मुझे लगता है दिस बाइक डिजर्व 4.8 स्टार आउट ऑफ 5 एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, दिस वॉज फन राइडिंग। इसका डिटेल रिव्यू अगर आपको चाहिए तो और भी जरा मैं एक लॉन्ग राइड रिव्यू बना दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट जरूर करना। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड राइड सेफ।